तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज़ रिश एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर इंग्लिश एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन एज यू ऑल नो दैट द नोटिफिकेशन फॉर एच सी एस एग्जामिनेशन हैज़ बीन रिलीज्ड एंड नाउ यू शुड टाइट एन यूर सीट बेल्ट एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूर एग्जामिनेशन वेरी सीरियसली ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम इस सेशन में करेंगे थोड़ा सा मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगा लाइक like,

आज के सेशन में हम लोग 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है एंड uh, जो भी क्वेश्चन रहेंगे ठीक है मोस्टली वैसे जो आपके uh, इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे राइट बट ऐसा नहीं है कि वो इजी होंगे ठीक है थोड़े से ट्रिकी होंगे सो so प्लीज जो भी सेशंस आपको मिलेंगे यहां पे उनको अच्छे से आपको देखना है और साथ में आपको अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है ठीक है एंड उसी के लिए हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए अभ्यास ठीक है पॉइंट ओ oh, जिसमें कि आपको सीनियर uh, फैकल्टी uh, और एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स के थ्रू uh, अपने एग्जाम को अपने गोल को अचीव करने का मौका मिलेगा ठीक है और uh, आपके लिए एक ऑफर है uh, जो कि अभी हमने बैच हमारा स्टार्ट होगा ठीक है फ्रॉम टुडे सेल्फ ठीक है और एच uh, का ही ये बैच रहेगा ठीक है जो कि 75 डेज का ये पूरा का पूरा कोर्स होगा इसमें आपको ठीक है फीस uh, भी आपको अराउंड यू आर गेटिंग टेन थाउजेंड ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है एंड यू कैन चेक द डेट एज वेल ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा ठीक है मतलब आज से ही ये बैच स्टार्ट होगा एंड वही इंफॉर्मेशन सेम आपके लिए फिर से ठीक है uh, जो भी इसमें एनरोल करना चाहता है यू कैन गो फॉर द सेम एंड डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं ठीक है uh, क्या क्या फीचर्स हैं आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी ठीक है एंड uh, साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी ठीक है और रिवीजन के लिए जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी टेस्ट सीरीज डेफिनेटली मिलेंगी ही मिलेंगी बिकॉज टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में ठीक है और डेफिनेटली uh, साथ में आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी से मेंटरशिप भी मिलेगी ठीक है सो so, चलिए फिर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू करते हैं आगे तो चलिए फिर ओके okay. सो so, uh, देखिए कि uh, कुछ एक मिनट ओके सो so, कुछ इस फॉर्मेट में आपको ये कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा ये 2023 का पेपर है ठीक है एंड आई होप कि ये आपको विजिबल होगा ठीक है और लास्ट में जो थोड़ा सा विजिबल नहीं रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा बट बत इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा वैसे ठीक है सो आपको इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है बट मेरे साथ में एक तरीका समझने की किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे ओके दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली और बाकी तो देखिए Obviously, अगर आप एससीएस एग्जामिनेशन के लिए जा तो वो आपको समझना है राइट right? देखिए अब कॉम्प्रिहेंशन जो है थोड़ा सा आपके साथ में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच कैसे करोगे आप सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करोगे जब भी ठीक है आप उसको दो तरीके से पढ़ सकते हो ठीक है अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज करोगे वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर ओके फॉर एग्जाम्पल पहले सबसे पहले आप क्या करोगे क्वेश्चन को रीड करोगे ठीक है सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करोगे देन क्वेश्चंस को रीड करोगे उसके बाद आप जाके नेक्स्ट फिर कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आओगे एक एक स्किमिंग 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 बोलते हैं इसको ठीक है है नाउ व्हाट इज दिस में क्या होता है? आपको फटाफट से उसको एक बार उसको बार क्विक लुक देनी होती है देखना होता है कि क्या क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है ठीक है सेकेंड जब आप कॉम्प्रिहेंशन को रीड करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने वहां पर देखा था और इसी से रिलेटेड यहां पे मुझे इस फॉर एग्जांपल अब जैसे ये कॉम्प्रीहशन है ठीक है अब जैसे ये है तो अब देखो आप इस चीज को समझ रहा कि इसमें आपको क्या होगा कि जैसे आपने क्वेश्चंस को देखा है मान लो आपको कुछ वर्ड्स वहां पे मिले ठीक है कुछ आपको ऐसे वर्ड्स मिले कि कुछ काउंटर प्रोडक्टिव से रिलेटेड आपको कुछ चीज मिली वहां पे देखिए तो जब आप कॉम्प्रिहेंशन को रीड करोगे तो आपको जैसे ही ये कुछ ऐसा सिमिलर चीज दिखेगी तो आप उसको क्या करोगे आप उसको नोट डाउन करके रखोगे कि हां मुझे इस पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन के वो चीज जो मैं क्वेश्चन में जो एक जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड ठीक है क्वेश्चन में जो आपको कीवर्ड मिला था उसको आप यहां पे नोट डाउन करोगे ठीक है तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा सेकंड कि पढ़ते टाइम आपको ऐसा नहीं कि बड़ा स्लो पढ़ना है इसको एक क्विक आपको फास्ट पढ़ना है पहले सबसे फर्स्ट टाइम जो आप पढ़ोगे एक इसको आप स्कीमिंग करते चलना है आपको कि इट इज फिफ्टी ईयर सिंस ठीक है जैसे कि आपने देखा कुछ एक्ट के बारे में बात हो रही है पास्ट ठीक है जो कि किसके लिए पास्ट हुआ पास uh, करा इट वाज टू हेल्प बिल्ड द मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर ठीक है तो आपको ना एक स्पीड के साथ में एक रिदम के साथ में उसको पढ़ते जाना है विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट सबसे पहले क्या करोगे आप फर्स्ट थिंग इज कि आप क्वेश्चन के ऊपर जाओगे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन को आप देखोगे सेकेंड थिंग फटाफट से आप फिर कॉम्प्रीहशन के ऊपर आओगे थर्ड थिंग इज की जब आप कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ोगे तो आप क्या करोगे थर्ड थिंग इज नोट करोगे कि हां ये क्वेश्चन का की मुझे इस पार्ट में दिखा ठीक है क्वेश्चंस जब पढ़ोगे तो उसमें भी आप कीवर्ड्स देखोगे कि की, हाँ पूछा क्या गया क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली uh, क्वेश्चंस को ही पढ़ोगे सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने का पर्पस ये है कि आप उसमें से कीवर्ड्स ढूंढो कि किससे रिलेटेड मुझे इसका आंसर ढूंढना है ओके फिर उस तरीके से आप अप्रोच करिए फिर कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए देन वो जो आपने क्वेश्चन में देखा था इसको वहां अगर आपको मिलता है जैसे ही उसको वहां पे अंडरलाइन करिए या नोट डाउन करिए जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से अप्रोच करिए और इस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे अब सेकंड थिंग कई बार क्या होता है कि कई बार ना आपको टाइटल ढूंढना पड़ता है ठीक है वो भी मैं आपको बताऊंगा टाइटल या फिर थीम भी कई बार आपसे पूछ सकता है तो उसके लिए क्या होता है अब इन दोनों में डिफरेंस है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दूंगा ये तो जस्ट मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बट एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि वट शुड बी द राइट अप्रोच टू सोल्व कॉम्प्रीहेंशन क्योंकि जो इसमें मैंने कॉम्प्रीहेंशन देखा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स लाइक ठीक है जो भी सी में आते हैं या फिर अदर एग्जामिनेशन लाइक सी एस है ना इसमें जो आपको कॉम्प्रिहेंशन uh, मिलेगा इसमें आपको एमसी जो मिलेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें सिर्फ एक आंसर रहेगा मल्टीपल आंसर होंगे ठीक है लाइक जैसे यूपीएससी पूछता है ओके तो कुछ वैसा ही तरीका है इसमें ओके सो आई विल बी टेलिंग यू की वट शुड बी द राइट अप्रोच टू आइडेंटिफाई टाइटल एंड थीम बट वो अलग सेशन में करेंगे जिसमें हम प्रोपरली कॉम्प्रिन्हेंशन को बनाने का तरीका देखेंगे कैसे उसमें से क्वेश्चन हम बनाएंगे आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड चलिए फिर इसी के साथ लेट लेटेस्ट स्टार्ट आर कॉम्प्रिहेंशन ठीक है सॉल्विंग ओके सो इट इज फिफ्टी ईयर सिंस द दर्किटेक्ट एक्ट नाइनटीन सेवन टू वॉज पास बिल्ड द मॉडर्न प्रोफेशन Of architecture. Architects have made steady progress since then, established contemporary designs thicke, with around 10,000 new registrations every year. Thicke. However, instead of effusing confidence and success, architects seem to be facing the same dilemmas that confronted 50 years ago. The profession is yet to be recognized in its own right.

Uh, जो उस चीज को पाना चाह रहे हैं ठीक है हु वॉन्ट टू सीक द लीगल रूट ठीक है अमेंड द एक्ट एंड डिमांड दैट द स्टेट प्रोटेक्ट द प्रोफेशन प्रोफेशन फर्दर इफ हिस्ट्री हैज एनी लेसन टू ऑफर इट इज द अपोजिट एक्ट डू नॉट गारंटी एक्सीलेंस चौकिंग रेगुलेशन आर काउंटर प्रोडक्टिव मार्केट फोर्सेज आर पावरफुल एंड Can counter and, ca and can countervail barriers to competition. Okay. So in this context, pursuing a legal route to take on multi uh, on take multitudinous uh, multi challenges will be unproductive and futile. Futile means waste. Hai. Instead, architects can do better if they abandon archaic. Archaic means uh, pita, right? आर्के का मतलब होता है एकदम डल जो तो काफी घिस चुका है पुराना हो चुका है डल हो चुका है मंडेन हो चुका है राइट ये इसका मतलब होता है ओके सो नोशन ऑफ प्रोफेशन बिल्ड ऑन नैरोस ऑन ब्रॉड बेसिंग प्रैक्टिस पाथ टू सिक्योरिंग अ प्रोफेशनल एक्ट इन आर्किटेक्चर वॉज नॉट इजी ओके बोलता है आर्किटेक्चर जो है वो एमर्ज हुआ कैसे एमर्ज हुआ एज ए डिस्टिंग प्रोफेशन एंड फॉर्मड फॉर्म्ड एन इंफ्लुशियल एसोसिएशन इन द सेंचुरी ठीक है इन यूनाइटेड किंगडम बट फिर बोलता है बट दैट वॉज नॉट द केस इन दैट वॉज नॉट द केस इन इंडिया बोलता है देयर वर नॉट इनफ आर्किटेक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर पैरेलल Member parallel development. The first national level association of architects was formed in 1929 with 130. Just a moment. data. please, Okay, with 158 members, many of whom were in Bombay when professionalism. Okay, when professionalization picked up momentum after independence and professional legislation such as Dentists Act in 1948. Okay.

इट इज नॉट पॉसिबल वो चीज आपको हेल्प करेगी यहां पे अब की अब चलो ये तो मैं आपको सिंपली पहले पढ़ाया मैंने फॉर एग्जाम्पल अब देखो जरा एक बार जैसे की कैसे हेल्प करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा बोलता है विच ऑफ दी फॉलोइंग अबाउट द प्रोफेशन इन इंडिया कुड बी इनफर्ड फ्रॉम मतलब कौन सी ऐसी आ, हमारे पास स्टेटमेंट है अबाउट प्रोफेशन जो कि हम इस पैसेज से ऑब्टेन कर सकते हैं फर्स्ट इज

इस ऑप्शन को एलिमिनेट करिए अब फाइव जहां पर भी है उसको एलिमिनेट कर सकते हो आप आराम से फर्स्ट ऑप्शन में फाइव दिख रहा है इसको एलिमिनेट करिए फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है इसको एलिमिनेट करिए ठीक है नॉट uh, अटेम्प्टेड चलो uh, अब इसमें one, three, है लेट अस सी अब इनमें से अगर हम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो हमारे पास फाइट सिर्फ दो ऑप्शंस में रहेगी ओके okay? अब इस चीज को भी समझिए आपको ना ऐसा नहीं करना कि आपको जब तक आंसर नहीं मिलता एग्जैक्ट आप तब तक लगे रहेंगे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है राइट right? आपको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प लेनी है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते अपने आंसर तक पहुंचना है दैट्स इट ठीक है टाइम मत वेस्ट करिएगा एग्जाम में ठीक है ये सबसे अच्छी देखो हमने सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करा एंड उसी एक ऑप्शन से हम लोगों ने दो आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया मतलब हमने जो इसमें एक ऑप्शन हमारे पास था तो आंसर में भी हमने आराम से इसकी हेल्प से ही सिर्फ दो ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट करा अब मुझे एक चीज बताओ चलो देखते चीज हमें दिखी तो नहीं मुझे कहीं पर भी ठीक है चलो ओके okay. चलो ये देखो जरा यहाँ पे जो बता रहा था ना ये एक मिनट कि यहाँ पे देखो बोल रहे ना कि एमरजेंस हुई है वहां पे इन द लास्ट फिफ्टी ईयर्स सिंस द पासिंग ऑफ द आर्किटेक्चर एक्ट ठीक है India has seen the emergence of 126,000 new professional architects. तो so, एक बार इसको भी देखो जरा यहाँ पे जो. In the 50 years since the Architects Act 1972 was passed to help build the modern profession of architecture, ठीक है. Architects have made steady progress since then, established contemporary design with around 10,000 new registrations. ठीक है ये 10,000 वाला डाटा आ गया. Every year, however, in uh, एक मिनट एक मिनट. कुछ छोड़ दिया मैंने शायद से. हाँ. established contemporary designs value and expanded their professional base there are now about 1 lakh 26 thousand registered architects with around 10 thousand new registrations every year hmm. एक बार देखते हैं ऑप्शन hmm. हाँ एक चीज का दिमाग में ध्यान नहीं जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, विच ऑफ दॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दर्किटेक्चर प्रोफेशन इन इंडिया कुड बी इनफर्ड फ्रॉम दैसेज तो कई बार वो कुड नोट पी भी दिख सकता है यहां पे तो आपको अच्छे से देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है तो वैसे भी बोल देगा कुछ नोट भी इनफर्ड ओके तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा ओके okay? तो इन जब यहां पे देखो आ, इंडिया सीन एमरजेंस नहीं emergence नहीं यहां पे देखना अच्छे से उसने बोला है कि देर आर नॉट वन टी वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट कोई एमरजेंस की बात नहीं हो रही यहां पे ठीक है ओके okay. इस चीज को समझिएगा एंड uh, फिर हमारा आता है The professional has not developed since 1972 1972 पे देखो उसने बोल दिया The profession has not developed since 1972. अब मुझे एक चीज बताओ सिंस 1972 से थोड़ी हमारा प्रोफेशन डेवलप हो रहा था यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी 1926 कहीं पे आया था यहाँ पे ये, आ, ये देखो

ठीक है 1972 में तो इसको रिकोगशन मिल गया तो ऑप्शन थ्री भी हमारा गलत हो जाएगा जैसे ही ऑप्शन थ्री गलत होता है तो यह भी हमारा गलत यह तो फिर वैसे ही गलत हो जाएगा अगर ठीक है और फोर एंड फाइव ये मैंने फाइव आपको पहले ही बता रखा है ठीक है अब जो इसका आंसर जाएगा वो समझिए अब देखो फर्स्ट ऑप्शन इट बिकेम अ प्रोफेशनल कोर्स इन 1972 थैंक्स टू थैंक्स आर्किटेक्ट्स एक्ट दैट केम इनटू बीइंग दैट ईयर अब ऑप्शन टू तो हमारे पास सिर्फ है नहीं अदरवाइज इट कुड बी इट कुड बी द आंसर बट फिर इस हिसाब से जो हमारे ऑप्शन में आंसर नहीं बैठ रहा दैट इज नन ऑफ दीज ठीक है अब ये ऑप्शन में अगर अकेला होता तो हम इसको बोल सकते थे बट अकेला नहीं है सो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर तो इस तरीके को समझिएगा ठीक है आपको कॉम्प्लेक्स ही आने वाला है कॉम्प्रीहेंशन वो मत समझिएगा कि एक ऑप्शन आएगा और आप उसको इजिली यू हैव टू रीड द कॉम्प्रीहेंशन वेरी वेरी केयरफुली हो सकता है दो बार पढ़ना पड़ जाए तीन बार पढ़ना पड़ जाए बट इस चीज को दिमाग में रखिए कि जितनी आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट

ठीक है पढ़ने की स्पीड रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए अलॉन्ग विद डैट योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी वेरी फाइन ओके वेरी वेरी गुड चलिए सो डी इज द राइट आंसर ठीक है नन ऑफ नीस सेकेंड इसका क्वेश्चन देखिए और इस कॉम्प्रीहेंशन से हमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन मिले हैं ठीक है वो था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इस चीज को दिमाग में रखिएगा कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज एन ओपिनियन ऑफ द ऑथर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज ठीक है तो उसने सीधा सीधा यहां पे हाईलाइट करा वैसे तो हाईलाइट नहीं करा मतलब आपको इस चीज को दिमाग में लेके चलना है कि प्लीज जो इंस्ट्रक्शंस लिखी रहेंगी प्लीज डो नॉट इग्नोर वो किसी परपज से लिखी जाती है ठीक है तो आपने फटाफट -फड़ देखा कि हाँ विच ऑफ फॉलोइंग ये अगर आपने मिस कर दिया कि कैनोट बी कंस्ट्यूट मतलब किसको आप वहां से नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते को किस चीज को के बारे में वहां पे इंटरप्रेट वैसे इसका मतलब होता है कंस्टीट्यूट का मतलब होता है इंटरप्रेट ठीक है इसका मतलब होता है इंटरप्रेट करना ओके, चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है परस्यूइंग लीगल कोर्स ऑफ एक्शन वेन एवर देर आर मल्टीट्यूडिनस प्रोफेशनल ग्रीवां ऑफ टू एड्रेस इज फ्यूटाइल इन इंडिया सेकेंड इंप्रूविंग प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस विल बी श्योर फायर गारंटी फॉर सक्सेस ऑफ एवरी आर्किटेक्ट या फिर थर्ड एक्सीलेंस इन एनी प्रोफेशनल फील्ड कैनोट बी ग्रंटेड सिंपली बाई पासिंग एन एक्ट दैट रिकोग्नाइज इज द प्रोफेशनल प्रोफेशन एंड दिस इन क्रेडिबिलिटी या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर क्वेश्चन नोट अटैम करिए ट्राई इसको चलिए बताइए वापिस से पैराग्राफ पे आते हैं एक बार फिर से ठीक है लेट्स सी लीगल एक्शन की बात कर रहा है ठीक है प्रोफेशनल uh, एथिक्स की बात कर रहा है कुछ एक्सेलेंस इन प्रोफेशनल फील्ड कैन नॉट गारंटी गारंटी नहीं कर सकता हमें सिंपली पासिंग बाय द एक्ट एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज चलो वापिस से हम पैराग्राफ पे आते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है अब देखिए

कंफ्यूजन अबाउट द रोड अट ओके अब देखिए गारंटी वाली बात कर रहा है एक्ट्स डो नॉट गारंटी ठीक है आई एक्ट डोनोट गारंटी एक्सीलेंस एक मिनट हाँ एक्सीलेंस ठीक है तो यहां पर हमारा एक ऑप्शन था गारंटी वाला था कि नहीं ये देखिए लिखा है ना कि एक्सीलेंस इन एनी प्रोफेशन फील्ड कैनोट बी गारंटेड बाय एक्ट्स तो उसने बोला कि कैनोट बी कंस्ट्यूट ये तो हमें सीधा सीधा इसमें मिल गया ठीक है एक मिनट एक मिनट बी कंस्ट्यूट एज एन ओपिनियन अच्छा ओपिनियन की तरह किसको हम नहीं इंटरप्रेट कर सकते इन पैसेज ठीक है ठीक है ठीक है इसका बोलने का मतलब है कि ऐसा कौन सा इसमें हमारा जो ऑप्शन है जिसको हम ऑथर के ओपिनियन की तरह नहीं इंटरप्रेट कर सकते ठीक है उस चीज के बारे में बात कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन देखिए फिर से वापिस से ओके okay. तो ठीक है इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा था परसिविंग लीगल को वेन एवर मल्टीट्यूडिनस ये हमने पढ़ा था ना मल्टीट्यूडिनस वाला एक पार्ट आया था इसमें ये देखो मल्टीट्यूडिनस बोलता है ना बोलता है इन दिस कॉन्टेक्सट परसिविंग अ लीगल रूट टू टेक मल्टीट्यूडिनस नोशन ऑफ प्रोफेशन बिल्ट ऑन नैरोक्शनल बाउंड्रीज एंड फोकस ऑन ब्रॉड बेसिक अब इन दिस कॉन्टेक्स्ट की जब बात आ गई अब ये जब वर्ड आ गया इन दिस कॉन्टेक्सट तो उसका मतलब क्या होता है कि ऑथर अपना पर्सपेक्टिव यहां पे डाल रहा है राइट right? अपना ओपिनियन काइंड ऑफ एक वहां पे डाल रहा है तो ऑप्शन हम, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट दैट विल बी बी वुड एलिमिनेटेड ओके ऑप्शन फर्स्ट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा यहां से ठीक है फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड सेकेंड ऑप्शन देखिए इंप्रूविंग प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी सर्विस विल नॉट विल नॉट बी विल बी श्योर फायर गारंटीड फॉर सक्सेस एंड एवरी अब आप खुद देखो ये चीज जब उसने ऑथर ने बोली तो ये उसका ओपिनियन है इंप्रूविंग प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी ये ऑथर का ओपिनियन है ये भी ऑथर का ओपिनियन है बट यहां पे एक्सीलेंस इन एनी प्रोफेशनल फील्ड कैन नॉट बी गारंटेड सिंपली क्योंकि अब इस चीज को समझिएगा देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन का ठीक है फिर बोलता है कि जो हमारा आर्किटेक्चर इमर्ज एज डिस्टिंग ठीक है एंड ये वाला एक्स डू नॉट गारंटी एक्सीलेंस इफ हिस्ट्री हैज एनी लेसन टू ऑफर इट हैज इट इज ऑपोजिट दैट एक्ट्स डू नॉट गारंटी एक्सीलेंस सो इस चीज को समझिए कि ये एक कंक्लूजन है ये ऑथर का ओपिनियन नहीं है ओपिनियन में और कंक्लूजन में फर्क होता है राइट right? ओपिनियन क्या है जो मैं कुछ भी चीज बोलूंगा कि मेरा ओपिनियन है मेरा मानना है कि आपको एग्जाम में ऐसे पढ़ना चाहिए बट जो फैक्ट्स है वो कुछ और बताते हैं दैट इज नॉट ओपिनियन ठीक है तो ये काइंड ऑफ फैक्ट है कि जो एड्स है वो गारंटी नहीं करते कि वो उस काम में एक्सीलेंस आपको मिल ही जाएगी ठीक है सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बात समझ आई तो इतना इजी नहीं होने वाला ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इनमें टसल्स रहेगी आपको ठीक है इतने इजी कॉम्प्रिहेंशन आपको नहीं मिलेंगे देखने को प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ठीक है अब हमारा नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है इसको पढ़िए ये उससे लेंदी है बट बिफोर दिस हम एक बार क्वेश्चन को देखेंगे ठीक है क्वेश्चन को देखेंगे और मैं क्या करूंगा मैं इस बार ना क्वेश्चन के जो इसमें से की वर्ड लेंगे की वर्ड्स को मैं लिख लूंगा उसके कॉम्प्रेंशन वाली साइड पे अब देखिएगा ऑफ अबाउट ठीक है जेट पी आर स्पेसिफिकली इंप्लाइड इन दैसेस इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया एज इट्स सोशियो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज आर वे टू तो मैं मुझे यहां पे कीवर्ड मिल गया क्या लिख लिया मैंने इसको थोड़ा हम्म सोशियो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है ना इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ओके ये मुझे फर्स्ट में कीवर्ड मिला ओके सेकंड वन देखिए अभी कुछ सोशियो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बात कर रहा है सेकंड देखिए डेवलपिंग कंट्रीज डिजायरस ऑफ

अभी adjust, है जस्ट ठीक है थर्ड वन देखिए थर्ड वन थर्ड ऑप्शन इज इट इज एन अन अच्छा इट इज एन यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल पार्टनरशिप विद डेवलप्ड कंट्रीज एज गिवर्स एंड द डेवलपिंग कंट्रीज आर रिसीवर्स कुछ यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल पार्टनर्स की बात हो रही है ठीक है यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल पार्टनरशिप तो मैं थर्ड यहां पे लिख लेता हूं कि कुछ यूनि डायरेक्शनल पार्टनरशिप की बात कर रहा है कुछ ओके यूनिडायरेक्शनल पार्टनरशिप की बात कर रहा है राइट एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखिए फिर इसके बाद अह इट इज ओके फोर्थ ऑप्शन इज ओनली थ्री डेवलपिंग कंट्रीज हैव सो फार अवेल्ड ऑफ दिस बेनिफिट बट द इंसर्शन ऑफ अ सर्टेन न्यू कंडीशन इन द ग्लास्गो पैक्ट अब ग्लास्गो पैक्ट आपको सीधा मिल गया यहां पे तो फोर्थ में आप क्या लिखोगे फोर्थ में आप लिख लोगे कि ग्लास पैक्ट आया था ठीक है ये तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको फटाफट से एक वर्ड नोट करना है glass को करके कुछ आ गया ठीक है यहां पर यूनिट पे सोशियो इकोनॉमिक आ गया यहां पे फोर्जिंग डील के बारे में बात कर रहा है ठीक है ना चलिए ओके एंड द फिफ्थ वन इट कुड बी क्लेवर मूव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज कैमोप्लाच एंड ऑलिव ब्रांच बट डिजाइन टू फुलफिल देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स टू रोप इन द डेवलपिंग कंट्रीज कुछ मोटिव्स की बात है, कुछ करिएमोफ्लाज ठीक है यहां पे मोटिव्स की बात है, कुछ मोटिव की बात हो रही है यहां पे ठीक है तो फिफ्थ वन इज कैमोफ्लाज करके कुछ है ओके ओके एंड की बात है. अगर तो ये देखो ये ऐसा होता कि मुझे मतलब इसका आंसर बताना होता कि एक ही आंसर है इसका फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे इसमें देखो ना इसमें वन टू थ्री करके है मोस्टली क्या होता नहीं तो कि इसमें से कौन सा आपको फाइंड करना है तो ये वैसे वाला नहीं है आपको फाइंड करना है कि हां वन टू फोर होगा टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री कौन सा इसमें फिट बैठेगा ओके okay, तो उसके लिए आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इट्स नॉट लाइक दैट की इफ यू जस्ट रीड योर पैराग्राफ वेरी लाइक वेरी सीरियसली एंड यू जस्ट रीड योर लाइक ऑप्शन वेरी विद अलॉन्ग विद नेग्लिजेंस ओके सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड ऑल द ऑप्शन वेरी केयरफुली एंड अलॉन्ग विद दैट you you also need to read your comprehension very carefully okay only then you will be able to mark the right answer okay चलिए फिर बात करते हैं इसमें क्या आएगा hmm. uh, चलो इससे पहले पैराग्राफ पढ़ते अभी ठीक है बोले जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ये है jetp जेईटीपी क्या है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ठीक है इट इज इज इमर्जिंग एज द की of a key mechanism for multilateral financing by developed countries to support an energy transition in developing countries. Hai? this, the glasgow pact, glasgow pact, pact well, this has taken on particular significance following the insertion of the phrase uh, phase-down of coal in the glasgow pact after south africa. indonesia and vietnam, india is considered the next confidence. confidence yeah, na? ओके सॉरी नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर द जेई पार्टनरशिप ठीक है इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी कुड पोटेंशियली बी एन अपॉर्च्यून मोमेंट टू फोर्ज अ डील अब यहां पे डील फोर्ज की करने की बात आ रही है हाउ एवर इंडिया मस्ट डेवलप अ एंड डोमेस्टिक एनर्जी ठीक है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी टू नेगोशिएट अ फाइनेंसिंग डील दैट एड्रेस द इट्स यूनिक सेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस अब यहां पर सोशियो इकोनॉमिक आ गया तो ये लिखने का फायदा आपको मिलेगा ठीक है तो ये आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करिए क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है आप बार बार ऑप्शन को देख के फिर कॉम्प्रिहेंशन में नहीं जा सकते आपको की लिखने पड़ेंगे जैसे यहां पे मैंने की लिखे तो देखो मुझे डायरेक्ट वहां पर मिल रही चीज है ना कि मुझे सोशियो इकोनॉमिक मिल दिखा यहाँ पे मुझे फोर्ज करने की डील के बारे में बात हुई है ना और यहाँ पे ग्लास को पैक की बात भी हुई अभी मुझे यूनी डायरेक्शनल की बात नहीं हुई यहाँ पे उसको भी देखते हैं ठीक है यूनिक सेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस ठीक है सो व्हाट वुड जेईटी स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया लुक लाइक वट कैन इंडिया ऑफर एंड सीक फ्रॉम मल्टीलेटर जेईटी पार्टनरशिप एनर्जी ट्रांजिशन गिव राइस टू इंट्रा जनरेशनल इंटर जनरेशनल एंड स्पेशल इक्विटी कंसर्न ट्रांजिशन ट्रांजिशन अफेक्ट नियर टर्म्स फोसिल डेवलपमेंट जॉब डिसरप्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर एनर्जी एक्सेस ठीक है श्रिंक करेगी क्या स्टेट की कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड दस एक्स द्या बढ़ाएगी एग्जिस्टिंग एनर्जी सॉरी एग्जिस्टिंग इकोनॉमी इन इक्वलिटी और इंक्रीज करेगी जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है इन इक्वालिटी उनको इंक्रीज करेगी ठीक है बिटवीन कॉल एंड अदर रीजन एग्जिस्टिंग जेईटी पार्टनरशिप डील्स पे लिमिटेड अटेंशन टू इंट्रा जनरेशनल इक्विट इन इक्विटी सच एज जॉब लॉसिज रिजल्टिंग फ्रॉम अ कॉल फेस डाउन हाउ एवर अमंग द्री जेईटी पी जेईटीपी पार्टनरशिप डील्स साइंस ऑफ फार

partnership negotiations for India last year have reportedly remained stalled over whether and how India should consider coal phase down and how to operationalize India's just transition okay the emphasis by developed countries on coal phase down without adequate attention to country context okay? that disregards the crucial difference in the energy transition between industrialized and emerging economic ठीक है फिर बोलता है एनर्जी ट्रांजिशन इन दी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइज ठीक है वर्ल्ड इनवॉल्व द स्विच स्विचिंग टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज बोलता है इंडिया की जो ट्रांजिशन होगी फिर इंडिया ट्रांजिशन रिक्वायर्स एड्रेसिंग सिग्निफिकेंट स्टिशन स्टिम्य थोड़ा ना यहां पर अजीब सर आफी टाइट है एड्रेसिंग सिग्निफिकेंट साइमल्टेनियस ग्रोथ इन एनर्जी डिमांड ओके फिर बोलता है सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथोरिटी प्रोजेक्ट नियर डबलिंग द इलेक्ट्रिस डिमांडी दैट इज लाइकली टू मल्टीपाइल्ड एनर्जी डिमांड एंड रिक्वायर्ड एडिकुएट सप्लाई फ्रॉम दी डायवर्स मिक्स ऑफ सोर्सेज इंडिया के नॉट अफोर्ड टू पुट इट्स डेवलपमेंट ऑन होल्ड बाइल डी मिनट क्या लिखा है यहां पर बाइल डी कार्बोनाइजिंग ओके So, ये थोड़ा सा हमारा पैसेज़ था जिसमें कि ग्रीन एनर्जी की बात करी गई है कैसे कोल को फेस डाउन करेंगे ठीक है आ, कैसे पार्टनरशिप की बात करी जिसमें कि कौन से है सिंगापुर है हमारा वियतनाम है सॉरी साउथ अफ्रीका है इंडोनेशिया है एंड वियतनाम है ठीक है एक मिनट इसमें अंडू हो सकता है कि नहीं मिट चलो तो ये देखो एक चीज को देखो अभी हमने यहां पे देखा कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेटीफिकली इम्प्लाइड इन दैसेज एग्जैक्टली अब देखना इस चीज को हमने काफी अच्छे से पढ़ा तो उन्होंने यही चीज बोली है फर्स्ट ऑप्शन देखना बोलता है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया एज इट सोशियो इकोनमिक कॉम्प्लेक्सिटीज आर वे टू डिफरेंट फ्रॉम दो इन कंट्रीज सच साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया एंड वियतनाम विच हैव सक्सेसफुल एडोप्टेड दिस मेनिज्म

गिवर्स एंड द डेवलपिंग कंट्रीज एज रिसीवर्स तो यूनिटनल वाली तो हमने कोई बात ऐसी देखी नहीं कि कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही तो है नहींवलप कंट्रीज के साथ ही एज गि सिर्फ वही करेंगी हमने तो ये भी हमारा एलिनेट हो जाता है सो सेकेंड ऑप्शन इसकी वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट होने की वजह से थर्ड ऑप्शन ऑप्शन डी भी हमारा फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है तो so, सेकेंड ठीक है फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार uh, अगर हमारा ये वाला एलिमिनेट हो गया है तो अब चांसेस तो यह है कि या तो टू एंड फोर ही होगा हमारा आंसर ठीक है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड तो नहीं होने वाला ठीक है अब देखिए ओनली थ्री डेवलपिंग कंट्रीज हैव सो फार अवेल्ड टू दिस बेनिफिट बट द इंसर्शन ये तो मैंने फर्स्ट लाइन में मिल गया था बट द इंसर्शन कैंडिडेट लुकिंग टू अवेल ऑफ बट द इंसर्शन ऑफ अ सर्टेन न्यू कंडीशन इन द ग्लास्को पैक्ट विल मेक द

बट ये डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में पैक्ट होने वाला है ठीक है दिस हैज टेकन द पार्टनरशिप एक क्या लिखा है दिस हैज टेकन द पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस फॉलोइंग द इंसर्शन ऑफ द फेज फेज डाउन ऑफ कोल इन द ग्लास अब इसमें बात करी गई थी फेज डाउन करने की कोल को तो जो कि आने वाले जो कंट्रीज uh, होंगी जो इसको ज्वाइन जो करना चाहती हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा राइट एक कंडीशन रख दी गई काइंड ऑफ है ना तो आफ्टर साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया एंड वियतनाम इंडिया इज कंसिडर द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर द जेई पार्टनरशिप ठीक है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो काफी आ, कुछ कंट्रीज हैं जो कॉल यूज कर रहे हैं एंड काफी लार्ज स्केल पे कॉल का यूज कर रही हैं ऑलरेडी है ना सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सडनली फेस डाउन कॉल कंजम्शन ओके तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन था वो एलिमिनेट हो जाता है, है तो देखो आपको इसको डीपली पढ़ने की जरूरत है अदरवाइज आप सोचोगे और जो चीजें मैंने आपको बताया कि फटाफट फड़ से से। इसके लिख लो। देखो कैसे हुई बार-बार किस को नहीं देखना पड़ा है ना तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए ओके एज पर पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर जेस लाइकली टू बी फेस्ड बाई डेवलपिंग कंट्रीज सीकिंग टू फोर्ज अलायंस विदेवल कौन कौन से चैलेंजेस इसमें हो सकते हैं बोलते हैविंग अ डील विद इनकम डिस्पैर डिस्पेरिटी डिस्पेरिटी मतलब जिसमें इक्वेलिटी नहीं है जहां पे हैविंग टू डील इनकम डिस्पैरिटी दैट आर लाइकली टू डेवलप डेवलप बिटवीन द करंटली कॉल प्रोड्यूसिंग एंड अदर रीजन इन द इवेंट ऑफ एडोप्टिंग बिल्कुल ठीक लग रहा है ये हमने पढ़ा ना कि जो ऑलरेडी कंट्रीज यूज कर रही है adopt, uh, तो उन, मतलब बोल रहा है इनकम जहां पर इनकम भी कम है ऑलरेडी ठीक है एंड इनकम डिस्पेरिटीज हैं दैट आर लाइकली टू डेवलप ठीक है वो बढ़ेंगी इसको एडॉप्ट करने के बाद बढ़ेंगी बिटवीन द करंटली कॉल प्रोड्यूसिंग एंड अदर रीजन जहां पर कॉल प्रोड्यूस हो रहा है अगर कॉल को फेस डाउन करने की बात कर रही है तो जहां पर ऑलरेडी कॉल प्रोड्यूस हो रहा है और फर्स्ट ऑप्शन हमारा सब में नहीं इसमें नहीं है तो ऑप्शन बी को तो मैंने कर दिया एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन देखिए नॉट बींग एबल टू थिंक ऑफ सुटेबल अल्टरनेटिव एनर्जी ऑप्शन सोर्स दैट गुड एडिक्वेटली मेकअप फॉर एनी लॉस ऑफ कॉल एनर्जी नॉट है Not

इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंटशिप इसको मैं कर रहा हूं देखो बोलते इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी बी एन अपॉर्चुन मोमेंट टू फोर्स अ डील की इस जी ट्वेंटी जो प्रेजिडेंटशिप है हमारी इंडिया की जो भी हुई है इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो और इस डील को फोर्स मतलब मजबूत करेगी हाउ एवर इंडिया मस्ट डेवलप अ कोहेरेंट डोमेस्टिक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी टू नेगोशिएट अड फाइनेंसिंग डील दैट एड्रेस इज इट्स यूनिक सेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस So, what would a JET strategy for India look like? What can India offer and seek from multilateral JET, multilateral uh, special equity concerns? Transitions affect near-term fossil-dependent disruption के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? Inequalities की बात कर रहा है and regions existing, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, आपको साथ में पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि काफी लंबी है और काफी एकदम ना थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे इसको बोर्ड पे प्लीज साथ में पढ़ते रहिए इस चीज़ को ठीक है फंडिंग uh, की बात कर रहा है फंडिंग रीस्किलिंग एंड ठीक है मिटिगेट करने की बात कर रहा है एम्फेसिस एडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है ठीक है ऑल्टरनेटिव ठीक है ये देखो फाइनेंस की बात कर रहा है ना यहाँ पे साउथ अफ्रिकाज डील जस्ट कॉम्पोनेट फाइनें एज पार्ट ऑफ द इनिशियल एट पॉइंट फाइव बिलियन मोबिलाईजेशन दर टू जे टी ठीक है ओवर ठीक है टेपरिंग yeah. <tapering> की बात ओके okay. चलिए वापिस आइए ऑप्शंस पे अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया नॉट बीइंग एबल टू थिंक ऑफ सुटेबल ऑल्टरनेटिव तो एज ऑफ नाउ बोलता है नॉट बीइंग एबल टू थिंक ऑफ सुटेबल क्यों क्योंकि हमारे पास तो ग्रीन एनर्जी का ऑप्शन आ चुका है ना तो ऐसा तो है कि हम एबल नहीं है वी आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ सुटेबल ऑल्टरनेट ऑप्शन ऑप्शन टू भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन टू किस किस में आ रहा है इसमें भी आ रहा है ठीक है इसमें भी आ रहा है देखिए ठीक है तो आपको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने यहां पे एक चीज देखी थी ना ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है यहां पे कहीं पे फोसिल्स uh, की फोसिल्स uh, को हटा के डिस्ट्रप्शन फ्रॉम फ्यूचर्स कुछ ग्रीन एनर्जी की बात यहां पे हुई थी डिस रिगार्ड्स द डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन बिटवीन बिटवीनलाइजेशन कहीं पे तो मैंने मिस करा अभी यहां पे जस्ट ग्रीन एनर्जी की बात हुई ठीक है। एनर्जी एक्सेस ड्रिंक स्टेट्स कैपेसिटी ठीक है ओके okay. इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर से देखना इसको पढ़ना जरा इनिशियल uh, हमारी बात हुई थी इंडिया नेगोशिएशन की बात हुई थी डिस रिकॉर्ड करने की बात हुई इंडिया जस्ट ट्रांजिशन एंफेसिस ठीक है यहाँ पे ग्रीन एनर्जी करके मुझे याद है मैंने पढ़ा था ठीक है और एज ऑफ नाउ हमारे पास ये ऑप्शन भी तो है क्योंकि हम आ, यूज कर रहे हैं ठीक है सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं जो की ग्रीन एनर्जी का ही सोर्स है ठीक है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि हम कोल को कम कोल का जो कंजम्पशन है वो कम करेंगे ठीक है इसलिए यहां पे ब्लास्ट में बात करी थी ना कि इंडिया को इंडिया जो डी पे फोकस कर रहा है कि कंट्री को थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाना है ठीक है तो ये ऑलरेडी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है ठीक है तो ऐसा तो है ना कि वी आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट अदर ऑप्शन नॉट बिंग एबल टू थिंक ऑफ सूटेबल अल्टरनेट एनर्जी ऑप्शन वो तो हमारे पास ऑलरेडी है ठीक है तो ऑप्शन टू की वजह से फिर हमारे ये ऑप्शन भी गलत ये ऑप्शन भी गलत ये भी गलत ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑप्शन वन एंड फोर देखो एक बार आपको ऐसा भी नहीं है कि सारे ऑप्शन पढ़ने हैं ठीक है आपको आंसर ढूंढना है आप अगर आप बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो जस्ट गो विद गोविदी लास्ट जो ऑप्शन आपके पास बचता है ठीक है एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए बोल एज पर पैसेज विच ऑफ दिग्निफिकेंट एंड जस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीज सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज अंडर जेईटी पार्टनरशिप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए इसको समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको एज पर दैसेज Which of the following ऑफ a सिग्निफिकेंट एंड जस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप हो रही है सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज अंडर जेईटी पी जेईटी मतलब जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ठीक है दैट द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट स्टॉप माइनिंग कोल यूजिंग इट एज एनर्जी सोर्स क्या ये एक्सपेक्टेशन है या फिर दैट द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट हैव इन प्लेस अ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी या फिर सी बोथ ए एंड बी तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है दैट द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट स्टॉप माइनिंग कोल एंड यूजिंग इट एज एनर्जी सोर्स ये तो बात हो ही रही थी इसमें कि फेज डाउन करने की बात हो रही थी ना तो फेज डाउन यही तो है कि आपको कम करना पड़ेगा उसको है ना सेकंड बोल रहा है कि दैट द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट हैव इन प्लेस जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी वो उनके स्ट्रेटेजी उन, उनके पास में होनी चाहिए तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है एक बार इसका आंसर भी चेक कर लीजिए ऑप्शन बी एक मिनट जस्ट दैट डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट स्टॉप माइनिंग ओके 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 ठीक है इसको आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि

कि वो कोल की जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर उसको कम करके जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी के ऊपर रिलाय कर सकती है वो ये उनका बोलने का पर्पज है तो अब यहां पे उन्होंने सीधा लिख दिया कि दैट द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट स्टॉप माइनिंग उनको माइनिंग ही स्टॉप कर देनी चाहिए तो ऐसा तो हमने पूरे कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा ही नहीं कहीं पे भी कि माइनिंग को स्टॉप करने की बात कहीं पे करी जा रही हो बस वहां पे फेस डाउन करने की बात करी जा रही है कि वहां पे आपको जो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको आपको कम करना है ठीक है तो ऑप्शन इसकी वजह से हमारा ये अगर ये यहां कि स्टॉप करने की बजाय वहां पे थोड़ा सा रिड्यूस करने की बात करी जाती तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट होता बट इसकी वजह से हमारा ऑप्शन बी ही सिर्फ राइट आंसर होगा दैट द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट हैव इन प्लेस अ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप या ओके okay? तो इसकी बात करी जा रही पार्टनरशिप की बात भी नहीं करी जा रही बस स्ट्रेटेजी जरूर बोल रहा है कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस चीज की आपके पास में ओके सो आई होप दैट आज का सेशन आपको ये अच्छा लगा होगा एंड विद दिस पर्टिकुलर सेशन आई होप कि आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी इस सेशन से ठीक है कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग की इट इज टाइम टेकिंग एंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी कॉम्प्रेंशन uh, की जो स्किल है इसको सोल्व करने की वो इम्प्रूव होगी अब यहाँ पे तो इसको अगर मुझे करना होता तो मैं फटाफट से की वर्ड्स पकड़ता ठीक है कि इट्स समथिंग कि जो आपको प्रैक्टिस के साथ में आएगा ठीक है ये मत सोचिए कि इसको यहां करवाने में टाइम लगा है तो वैसा ही होगा आपके साथ में आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई ठीक है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं फटाफट से ऑप्शन के ऊपर जाइए ठीक है ऑप्शन में की को देखिए की मिले आप कोई फर्स्ट स्टेप आपका ठीक है इसको करके देखिए फिर मुझे बताइएगा कि चेंज क्या है आपने सेकंड फिर कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना स्टार्ट करिए कॉम्प्रिहेंशन को रीड करिए एंड थर्ड वन इज फिर वहां पे जो कीवर्ड्स आपने ढूंढे इन कीवर्ड्स को नोट करते जाइए साथ में ठीक है ये तो है नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कीवर्ड्स को नोट करते जाइए साथ में ठीक है और उसकी हेल्प से फटाफट अपने क्वेश्चन पे आइए से और उनको एलिमिनेट करके लास्ट में आपको फोर्थ में आंसर आपको हमेशा फाइंड करना है एलिमिनेशन से ठीक है एलिमिनेशन मेथड ही आपको यूज करना है इज दैट क्लियर बात समझ आई कि नहीं ये फोर स्टेप्स आप दिमाग में रख के ही प्रैक्टिस करिएगा प्लीज ओके इन दिस वे यू विल डेफिनेटली गेन दैट कॉन्फिडेंस कि आप इस लेवल के क्वेश्चन को भी इजिली सॉल्व uh, कर पाओगे एंड डेफिनेटली जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी ठीक है सो so, इसके साथ में ही आई एंड टूडे सेशन आई होप दैट यू विल गेन समथिंग फ्रॉम इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू वेरी मच